वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज है डलहौजी में मेरा लास्ट डे और आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर के चलने वाला हूँ कुछ अमेजिंग लोकेशंस पे घुमाने के लिए। तो जो पहली लोकेशन हम जा रहे हैं वो है डैनकुंड। ये बेसिकली एक पीक है जहाँ पर ट्रैक करके जाना होता है। तो अभी वहाँ पर चलते हैं, वहाँ से चल करके देखते हैं कि किस तरीके का व्यू आपको मिलता है वहाँ से। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर भी मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो डलहौजी से डैनकुंड तक का रास्ता है वो है अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर, जिससे अगर आप चाहें तो आप अपनी गाड़ी से, स्कूटी से या फिर आप कैब से भी जा सकते हैं। अगर आप कैब से सफ़र कर रहे हैं तो डैनकुंड और खजियार तक जाने के जो आपके चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे 2,500 रुपीज़, और आप चाहें तो इसको नेगोशिएट भी कर सकते हैं थोड़ा। और गाइस, अगर रास्ते की बात करें तो रास्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रास्ता है और रोड कंडीशंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे रास्ते में आपको काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप चाहें तो आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स भी क्लिक करा सकते हैं। यहाँ से आपको वैली का बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू देखने को मिलता है। तो गाइस, अभी हम आ गए हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन जो कि है डैनकुंड। ये पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 18 किलोमीटर फ्रॉम डलहौजी। तो यहाँ तक हमारे को आने में करीब आधे घंटे का समय लगा है और यहाँ से जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यूज़ आते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करके हिल टॉप पर जाना है, जहाँ से आप पूरे वैली का व्यू देख सकते हैं। इसके अंदर अभी आप जो ट्रैक देख रहे हैं इसी ट्रैक से आपको ऊपर जाना होता है। तो इसमें आपको आधा किलोमीटर करीब स्टेयर्स मिलेंगी, 100-150 स्टेयर्स हैं, और उसके बाद जो है वो आपको प्लेन रास्ता मिलेगा। आप ट्रैक करके ऊपर तक जा सकते हैं और नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने टू व्हीलर से आते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी पार्किंग मिल जाएगी और पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं है। और इनफैक्ट अगर फोर व्हीलर से भी आ रहे हैं तो यहाँ पर पार्किंग का एम्पल स्पेस है, आप आराम से पार्क कर सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन जो आपको देना चाहूँगा, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ पर आर्मी का बेस एरिया है, तो वहाँ पर आप कुछ चीज़ शूट नहीं कर सकते। तो मेक श्योर करें आप आते हैं यहाँ पर तो आप कुछ चीज़ भी वहाँ पर शूट ना करें। गाइस, अभी हम करीब 200 मीटर्स जो है वो ट्रैक करके ऊपर आ गए हैं और आप यहीं से देख सकते हैं कि जो व्यूज़ आ रहे हैं वो कितने ज़्यादा अमेजिंग व्यूज़ आ रहे हैं। और ड्यूरिंग द ट्रैक अगर आपको कुछ खाना पीना है तो रास्ते में आपको कुछ खाने पीने की भी शॉप्स मिल जाएंगी। वो छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई हैं जिसके अंदर आप मैगी वगैरह ये सब चीज़ें ले सकते हैं, चाय वगैरह। और उसके अलावा मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपने साथ एक पानी की बॉटल जो है वो कैरी करें, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रैक चांसेज आर हाईली लाइकली कि आपको जो है प्यास लगेगी, क्योंकि ट्रैक जो है वो थोड़ा सा स्टीप है। गाइस, करीब 600 मीटर का ट्रैक जो है वो कंप्लीट करके हम एक पॉइंट पर आ चुके हैं, और इस पॉइंट से आपको जो वैली का व्यू मिलेगा वो मिलेगा आपको अप्रॉक्सीमेटली 360 डिग्री का वैली व्यू। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये एक छोटी सी हट बनी हुई है। आप अगर थक गए हैं तो आप थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। और आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिस कर रहा होगा इस चीज़ को, लेकिन आई वुड से कि अगर आप यहाँ पर खुद आकर के इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे तो यू विल फील कि यहाँ से जो व्यू आ रहा है ये आपको पूरे डलहौजी में ऐसा व्यू कहीं से भी नहीं मिलेगा। ये एक्चुअली में जो है डलहौजी का टॉप पॉइंट है जहाँ से आप पूरे डलहौजी को देख सकते हैं। तो आई वुड रेकमेंड कि अगर आप डलहौजी आ रहे हैं तो आप इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस ना करें। थोड़ा सा स्टीप है रास्ता, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है ऊपर तक आने में, लेकिन जब आप ऊपर आ जाएंगे तो आई वुड डेफिनेटली से दैट इट इज़ वर्थ कमिंग हेयर। तो गाइस, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अब जो है 600 मीटर की दूरी कवर करने के बाद जो ट्रैक आता है अब जो है वो प्लेन ट्रैक है। इस ट्रैक के थ्रू आप जा सकते हैं ऊपर मंदिर तक, जो कि है पोहानी माता का मंदिर। तो अब इस ट्रैक को पूरा करते हैं, 900 मीटर्स का ट्रैक है ये, और फिर एक बार ऊपर चल के आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं।
गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रैक आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यूज़ देखने को मिलेंगे। पूरे रास्ते में हमारे को जो है वो वाइट रंग के फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं और जो व्यू आ रहा है यहाँ से वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आ रहा है। आसपास के जितने भी पहाड़ हैं वो सारे कवर्ड हैं वाइट फ्लावर्स के थ्रू और ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेसमराइजिंग व्यू है। इस चीज़ को शब्दों में बयां करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो अगर आप यहाँ पर आके खुद इस चीज़ को देखते हैं तो देन यू विल रियलाइज़ कि क्या ज़बरदस्त ब्यूटी है यहाँ की। तो गाइस पहाड़ों के साथ मैगी के कॉम्बिनेशन को बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, तो उसी वजह से हमने भी ले लिया यहाँ पर अपने लिए मैगी। अब मैगी को एंजॉय करते हैं और साथ में ये सामने आप व्यू देख सकते हैं, व्यू कितना बढ़िया आ रहा है, इस व्यू को एंजॉय करते हैं। तो गाइज़ ये एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप सब लोगों को समझनी है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है और यहाँ पर जगह जगह पे मैनेजमेंट ने डस्टबिन भी लगाए हुए हैं, तो आप अपने साथ कोई भी पानी की बॉटल लेकर के आ रहे हैं या कुछ खाने पीने का सामान लेकर के आ रहे हैं तो आप उसको डस्टबिन में ही फेंकें। उसके बावजूद भी मैंने देखा है रास्ते में कुछ लोगों ने जो है इधर उधर सामान फेंका हुआ है, पानी की बॉटल्स फेंकी हुई है, रैपर फेंके हुए हैं, तो इस जगह की ब्यूटी जो है वो ख़राब होती है इस चीज़ से। तो इस चीज़ का मेक श्योर करें कि आप ऐसी किसी जगह पर आ रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप जो आपका कूड़ा है वो डस्टबिन में ही फेंके। फाइनली 1.5 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं पहाड़ों की माता माँ पौलाणी के मंदिर। और मंदिर में आने के बाद यहां से जो आपको व्यूज़ मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यूज़ हैं। मंदिर में दर्शन हम कर चुके हैं और यहां पर जो है मंदिर में आप आते हैं तो आपको साथ ही साथ यहां पर 2-3 शॉप्स भी मिल जाएंगी जहां पर अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हो तो आप खा पी भी सकते हैं। और उसके अलावा यहां पर टेलीस्कोप भी है, अगर आप चाहें तो आप टेलीस्कोप्स के थ्रू यहाँ से 2-3 पॉइंट दिखाए जाते हैं, आप वो भी देख सकते हैं, जिसके अंदर एक कैलाश पर्वत मणि महेश का भी पॉइंट है, वो भी आप चाहें तो यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। उसके जो चार्जेस हैं वो 20 रुपीज़ हैं। बाकी ओवरऑल जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ तक आने के लिए 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन आई वुड से दैट अगर आप यहाँ पर आते हैं तो वो वर्थ है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्लेस है ये। मैंने अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह अभी तक नहीं देखी है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस प्लेस पर ज़रूर आएँ। तो गाइस कुछ इस तरीके से थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये जगह और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।